लेकिन राजस्थान सरकार को विकसित बढ़ाने के लिए हमने जनता के साथ में संकल्प किया था, वायदा किया था, जनता ने उसी विश्वास के आधार पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जब विश्वास किया, हम लोगों पे विश्वास करके 5 साल का सेवा करने का जो मौका दिया है, निश्चित तौर पे मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला प्रदेश है जो एक मॉडल के रूप में विकसित हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। राजस्थान वर्ष 2021 और 22 में मात्र 11.4 की आर्थिक विकास दर पर हासिल हमने करके कीर्तिमान हमने स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ देश के सेकंड स्थान हासिल करना सरकार के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्थान सरकार के समावेशी विकास को दर्शाता है। सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म की भावना को हर वर्ग तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, बाल विकास, युवा कल्याण, ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी विकास देश की मिसाल काम करके हमने मिसाल कायम की है। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर चर्चा करूं कि पहली बार राजस्थान एक हिंदुस्तान में नहीं, एक दुनिया में एकमात्र प्रदेश है जहां स्वास्थ्य की ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। 10 लाख तक का इलाज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई भी मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो जेब में कम से कम 500 रुपए तो चेक कराने के लिए होने चाहिए उसके पास में। लेकिन राजस्थान ने जनभावना के हिसाब से 2020 में मुख्यमंत्री जी ने जो निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है, निश्चित तौर पर राजस्थान में क्रांतिकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम उठाया गया है जिसके पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को जो पिछली सरकार के दौरान पूर्ववर्ती सरकार थी 10,000 करोड़ की व्यवस्था की थी, हमने इसको बढ़ा के 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने करी है। 1,750 हॉस्पिटल इसमें पंजीकृत किए गए हैं। 88% लोग अब तक स्वास्थ्य बीमा अपना करा चुके हैं। यह आंकड़ा 44% रास्ते सर के आंकड़े का सिर्फ 44% है जबकि हमारा 88% है। और करीब 31,58,000 लोगों का उपचार किया गया है और खर्च पे 3,625 करोड़ रुपये अब तक इसमें हमने खर्च कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान के दवा योजना के अंतर्गत 2022 तक 449 करोड़ रुपये व्यय करके 7,50,00,000 लोगों को हमने लाभ दिया हुआ है। एक ऐसी योजना जो समय के हिसाब से जिसकी आवश्यकता थी, जब कोरोना का समय था इस देश के अंदर, लोग जान के लिए दौड़ रहे थे, जान बचाने के लिए घर घर दौड़ रहे थे, कोई सुनने वाला, कोई बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सरकार का बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जहाँ सरकार का जो हमारे हॉस्पिटल का जो ढांचा था उसको ठीक करने का प्रयास किया गया, कई डॉक्टरों की भर्ती हमने करी, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की, इसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाए ताकि लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और मुख्यमंत्री जी का जो फैसला था 24 घंटे में 16-17 घंटे काम करके इस बीमारी को कंट्रोल करने का, राज्य की जनता के सहयोग के साथ हमने प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, पिछले जब बजट जब आया, बजट में हमने ये बात कही थी सरकार के माध्यम से कि हम 60 लाख के आसपास कनेक्शन, पानी के कनेक्शन हम देंगे और राजस्थान सरकार उसमें कामयाब हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 39,521 में से 10,655 सिंगल एंड मल्टी विलेज योजनाओं का तथा 133 बड़ी योजनाओं के सहित 59,940 करोड़ रुपए की 10,788 परियोजनाओं की स्वीकृति अब तक प्राप्त हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, अब तक 31,26,000 लोगों के घर घर में इस योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया गया है, जबकि सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का वायदा है कि 60 लाख कनेक्शन हम इस साल लोगों को देंगे, जिसमें सरकार जिसकी तरफ आगे बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो सिंचाई की योजना है राजस्थान की, जो भौगोलिक दृष्टि है हमारा राजस्थान, करीब 80% लोग आबादी जो खेती पर आधारित है, पहली बार राजस्थान सरकार ने खेती के लिए सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा,
22-23 में विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर दिसंबर 2022 तक करीब 1429 करोड़ रुपए हमने खर्च किया था। 710 हेक्टर क्षेत्र अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता हमने स्वीकृत की गई थी। पारदर्शी जल प्रबंधन उद्देश्य के लिए बांधों और नहरों के लिए एक स्कोडा योजना सरकार चालू करने जा रही है, ताकि जिससे पारदर्शी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरीके से हो, जिसमें नर्मदा नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, श्री गंगा नहर हनुमानगढ़, पार्वती जिला धौलपुर की नहर व अन्य नहरों का कार्य प्रगति पर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब 2018 का पहला राज्यपाल का भाषण था, सरकार ने सिंचाई व्यवस्थाओं को देखते हुए जो सरंद फीडर लंबे समय तक जो जर्जर हो चुकी थी, जो भाखड़ा का पूरा गंग किनार का भाखड़ा का पानी का जो सिस्टम है सरंद फीडर के माध्यम से गंगा नहर हनुमानगढ़ जिले में पानी आता है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसानों की संवेदनशीलता को देखते हुए एक किसान मुख्यमंत्री होने के नाते पहली दफा 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी कोरोना के दौरान। उसके बावजूद पिछली बार 425 करोड़ रुपए अलग से दिया ताकि पैसा कम नहीं पड़ जाए और सरद फीडर का काम पूरा हो जाए। जिस दिन सरद फीडर का काम पूरा हो जाएगा उस दिन मैं मानता हूं कि कम से कम भाखड़ा का जो हमारा शेर जो बनता है अंतर्राज्यीय जो पानी के बंटवारे के हिसाब से हमें पानी पूरा मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि पहली दफा जो पुरानी फीडर फिरोजपुर फीडर नहर है जिसमें 450 करोड़ की DPR बनी है, जिसमें आधा पैसा हमारा है, आधा पैसा पंजाब सरकार का है। मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए का प्रबंध किया, वो दो DPR बन के चालू हो गई, जिससे काम स्टार्ट हो गया और जिस दिन ये काम पूरा होगा तो 2700 क्यूसेक की जो गंग किनार की हमारी नहर है उसमें किसानों को पूरा पानी मिलेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि लंबे समय से 70 साल से भाखड़ा नहर के खड़े पेंडिंग पड़े हुए थे, पिछली सरकार ने तो खड़े बनाए नहीं थे, हमारी सरकार ने एकमात्र भाखड़ा के लिए 200 करोड़ की जो बजट की घोषणा करी थी वो जमीन पे नीचे आ चुकी है, जिसपे काम खड़े बनने स्टार्ट हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सिंचाई के लिए जो बेहतरीन जो प्रबंधन किया उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है जिसपे 13 जिले हमारे पीने के पानी के लिए और करीब करीब काफी जमीन 2 लाख हेक्टर के आसपास जो सिंचाई की जमीन हमारे से सिंचाई कर सकते हैं, वो पेंडा भी योजना हमारी पेंडिंग है। केंद्र सरकार को बार बार हमने निवेदन किया लेकिन भारत सरकार से हमेशा गोलमाल इस बात का जवाब आया जिससे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है और हमारा इस बात का वायदा ईस्टर्न कैनाल परियोजना के बारे में, निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार सीमित संसाधन के बावजूद भी इस पर काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, कल परसों हमारे यहाँ एक आमेर से आने वाले हमारे साथी ने ये कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं है कांग्रेस की पार्टी ने, सरकार ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। हमारे जन घोषणा पत्र में बात थी कि 50,000 रुपए का कर्जा कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का हम माफ करेंगे, हमने माफ किया। 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो माननीय सदस्य जो ये बात कह रहे थे कि सब ठाकरे से आने वाले किसान ने रायसनगर में आत्महत्या की कर्जे की वजह से, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये बोलते कि 140 दिन लंबा आंदोलन किसानों का जिसमें 700 किसानों की कुर्बानी हुई है, 3 खेतीबाड़ी के कानून को लेके अगर उसकी भी चर्चा करते तो निश्चित तौर पर हम समझते कि ये लोग गंभीर हमारे किसानों के प्रति है। इनका कोई किसानों से लेना देना नहीं है, ये पहली सरकार है कांग्रेस की जो पहली बार कृषि का अलग से बजट किया, हमने अलग से बजट का प्रावधान किया ताकि सारे किसान साथी देख सके किस मत पे कितना पैसा हमने खर्च किया। ये सरकार की मंशा थी, सरकार का कमिटमेंट था किसान के साथ में, हमने क्या करिए करने का प्रयास किया और MSP के हिसाब से हमने फसल की खरीद भी करी है। लेकिन भारत सरकार और जो किसान संगठन है, 242 किसान संगठन इस देश के हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ भारत सरकार बताए कि MSP पे क्या समझौता हुआ किसानों के साथ में जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो बताएं कि जब आंदोलन खत्म हुआ था क्या किस शर्त के आधार पर जो समझौता हुआ था किसानों के साथ में MSP का इशू आज तक भारत सरकार के बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ है और 700 किसानों की जो कुर्बानी हुई है उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है, उनके परिवारों को किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा इस बात की भी चर्चा नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इससे भी सरकार कुछ ना कुछ केंद्र सरकार गौर करे। अगर मैं राशन की बात करूँ, मैं भारत सरकार राशन व्यवस्था को बंद करनी चाह रही थी PDS सिस्टम को, लेकिन 5 स्टेट के चुनाव थे, भारत सरकार बंद नहीं कर पाई। भारत सरकार इस बात का डर था कि अगर एक किलो रुपए के हिसाब से जो राशन का जो PDS का सिस्टम हमने शुरू कर रखा है
अगर गलती से बंद कर दिया गया तो देश में वातावरण खराब हो सकता है, सरकार को उल्टा पड़ सकता है। सरकार डरी हुई थी, लेकिन 2 साल से जो पोर्टल बंद था भारत सरकार का, हमारी सरकार ने उस पोर्टल को चालू करके करीब करीब बीपीएल और स्टेट बीपीएल का और जो दूसरी जो योजनाएं हैं, 1,38,00,000 लाभार्थियों गेहूं वितरण के लिए अब तक 386 करोड़ रुपए हमने खर्च की गई है। 3,00,000 परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से हमने जोड़ा गया है। माननीय सभापति, मैं अब आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राशन की जो व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करेगी। इसको जो बजट आ रहा है जो अभी केंद्र सरकार का, उसमें देखना कहीं ना कहीं या तो इसका पैसा कम कर दिया जाएगा या कोई दूसरा रास्ता निकाल के इसको बंद करने की साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैं चर्चा करूं, जिस हालात में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमें दिया गया था 2018 में, उसकी क्या स्थिति थी? पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बेचने की तैयारी कर ली थी, फिर भी राजस्थान की सरकार ने उसको तंदुरुस्त करने की उसने कोशिश की गई है। और पहली बार जो हमारे प्रतियोगी है, जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनका ध्यान रखते हुए सरकार ने 80,59,000 प्रतियोगियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ हमने दिया इसके माध्यम से, ताकि बच्चे अपनी परीक्षा दे सके और जो गरीब बच्चे जो सरकार की नौकरी में आना चाह रहे हैं उसके बंदोबस्त हमने किया। माननीय सभापति महोदय, अगर खेलों की बात करूं, राजस्थान सरकार ने खेलों में एक अहम रोल अदा किया है। पहली बार खेल को प्रायोरिटी के आधार पे हमने 2% आउट ऑफ द टर्न जाके खिलाड़ियों का कोटा निश्चित किया नौकरी के लिए। और पूर्व ध्यानचंद जी के नाम से हमने स्टेडियम अनाउंस किए गांव और देहात के अंदर के स्टेडियम बने और खेल का वातावरण बढ़े और 30,00,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से हमारे बच्चों का हुआ है। और शहर भी ओलंपिक की तैयारी हो रही है, आउट ऑफ टर्न जाके नौकरी का प्रावधान किया है, खेलों का वातावरण बढ़ रहा है। और बड़े बड़े हमारे जो शहर हैं जैसे जोधपुर में, जोधपुर के अंदर आईपीएल के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम की तैयारी की जा रही है, दूसरे जगह तैयारी की जा रही है। खेलों का वातावरण बढ़ाने के लिए हरियाणा और पंजाब की तरफ से हमने जो खिलाड़ियों का जो इनाम देने की जो योजना है उसमें भी हमने राशि को बढ़ाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, कानून व्यवस्था की बार बार बीजेपी के लोग बात करते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है राजस्थान के अंदर, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ठीक नहीं है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। कानून व्यवस्था की बात करूं तो हमेशा इस कायदे के माध्यम से 156(3) के माध्यम से कोर्ट FIR दर्ज की जा सकती थी। हमने कानून बढ़ाया और यह कंपलसरी किया गया कि हर मुलजिम की हर व्यक्ति जो FIR दर्ज कराना चाह रहा है उसका कंपलसरी FIR का रजिस्ट्रेशन का हमने प्रावधान किया। और पहली दफा इसमें इस कासे की भी कमी आई है और FIR ज्यादा दर्ज हो गई है और इनको लगता है कि देश में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि FIR को डाउनलोड की व्यवस्था हम लोग बैठा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति SMS के माध्यम से अपनी FIR को डाउनलोड कर सकता है और उसको पता लग सकता है मेरी FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है। ये व्यवस्था हमने की, थानों में CCTV कैमरे भी लगाए गए, हमने स्वागत कक्ष भी बढ़ाए गए हैं और खास करके हमारी महिलाओं के लिए अलग से एडिशनल SP लेवल तक का एक अधिकारी हमने नियुक्त किया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सेल का हमने गठन किया गया है जिसके तहत इसमें अगर कोई क्राइम होता है किसी महिला के साथ में तो उसको अलग से सेल में जाके उसका ट्रायल हो सकता है, FIR दर्ज हो सकती है और अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले 129 दिन का टाइम था, अब उसको घटाकर हमने 72 दिन किया गया है ताकि एक पारदर्शी साफ सुथरा लगे लोगों को। समाप्त करें अभी तो सुन ही रहा था, समाप्त करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार सरकार ने जिले लेवल पर साइबर क्राइम थाने के खोल के हमने साइबर अपराध को कंट्रोल करने का व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, ये भारत राजस्थान पहला राज्य है भारत का जहां ऑनलाइन जेल की आप कार्रवाई देख सकते हो, ऑनलाइन डेटा हमने किया है जेल को भी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, बार बार रिट के बारे में आंदोलन किया जा रहा है कि रिट की परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम हमने परीक्षा कराने की कोशिश तो करी। 2013 से 2018 का समय भी तो आप याद करो जब कितने नौकरियों पे स्टे हुआ था सरकार के कोर्ट की तरफ से, कितनी नौकरियां लगी हुई थी, कम से कम हमने हिम्मत तो करी, हमने एग्जाम तो कराया और जो लोग पेपर लीक पे शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमने करी है। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष को हमने सस्पेंड किया, जेल भेजा गया उसको, लेकिन आज जिस तरीके का वातावरण प्रदेश में खराब किए जा रहे हैं इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि नौकरी क्यों नहीं रहे बच्चे, बार बार CBI की इंक्वायरी की बात कर रहा है, कोई दूसरी इंक्वायरी की बात कर रहा है। ये सरकार संवेदनशीलता है, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है। धन्यवाद। सभापति महोदय,
महामहिम के अभिभाषण के 13:7 और 13 में